हेलो फ्रेंड्स, सभी का फिर से स्वागत है कौशिक थिंग्स चैनल के एक नए वीडियो में। आप सभी चैनल को धीरे धीरे व्यू दे रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा चैनल बड़ा हो रहा है। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, आप अपना मूल्यवान समय हमें दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो थंबनेल है उसको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम एक DSLR कैमरे का रिव्यू करने जा रहे हैं। रिव्यू वीडियो पे जाने से पहले काइंडली सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जो आज प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रहे हैं वो है ये कैनन का 1300D EOS। इस कैमरे का रिव्यू हम आज करेंगे, तो इसका स्पेसिफिकेशन वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा कैनन EOS 1300D कैमरा। ये DSLR कैमरा मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टिल फोटोग्राफी के लिए। मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं, हॉबी है मेरा फोटोग्राफी करना। तो जब भी मुझे स्टिल फोटोग्राफी करना रहता है तब मैं ये कैमरा यूज़ करता हूँ। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो अभी जिस कैमरे से वीडियो हो रहा है वो दूसरा और एक DSLR कैमरा है, उसके बारे में मैं दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा आपको, वो यूज़ करता हूँ। तो इस कैमरे के साथ 1300 के साथ मैं 1855 का जो किट लेंस आता है कैमरे के साथ वही यूज़ करता हूँ। और मैं जब से फोटोग्राफी कर रहा हूँ इस कैमरे के साथ, मैं जहाँ जहाँ डिफरेंट लेंस सीनरी अच्छा पिक्चर मैंने लिया है वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, ताकि आप सबको पता चले कि कैसा कैसा पिक्चर ले सकते हैं आप फॉर एग्जांपल से। और इस ऐसा नहीं है कि इस कैमरे से आप वीडियो नहीं ले सकते, वीडियो ऑप्शन है, लेकिन एक ही खामी है इस कैमरे में कि आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता है। इसलिए मुझे इस कैमरे में वीडियो करना पसंद नहीं, लेकिन स्टिल फोटोग्राफी करने के लिए मुझे ये कैमरा बहुत पसंद है। अभी स्टिल फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोड्स मिलते हैं आपको, जैसे वीडियोग्राफी का मोड तो आपको पता ही है, मैंने बताई है लेकिन मैं यूज़ करता नहीं हूँ। नेक्स्ट हो गया आपका नाइट पोर्ट्रेट, जब आपको नाइट में रात के समय में कोई फोटो खींचना है तो ये नाइट के समय में कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह बहुत अच्छे से मैचिंग करता है। नेक्स्ट आ गया आपका फूड, जब भी आपको खाने का फ़ोटो खींचना है कोई, उसका कलर टोन अच्छे से सेट कर देता है ये। नेक्स्ट आ गया आपका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में आपको क्या होता है, एक के बाद एक कॉन्टिन्यूस आपको फोटोग्राफी लेना पड़ता है, तो ये तब फास्ट फोटोग्राफी लेने में आपको हेल्प करता है ये स्पोर्ट्स मोड। नेक्स्ट आता है आपका क्लोजअप मोड, जब भी आपको क्लोजअप से कोई किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो खींचना रहता है ये क्लोजअप मोड में आपको अच्छा सा फ़ोटो खींच देता है। नेक्स्ट आता है आपका लैंडस्केप मोड, इसमें आपको बड़ा सा लैंडस्केप कोई सीनरी आपको खींचना है फ़ोटो, तब इस लैंडस्केप मोड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोर्ट्रेट मोड, जिसमें आप किसी इंसान का फ़ोटो खींच रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे, उसका पिक्चर लेने में ये मोड आपको यूज़ आता है। इसके साथ मैं एक 32GB का सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड यूज़ करता हूँ, और बैटरी तो इसके साथ ही मिलता है, और नीचे मिलता है आपको ये ट्राइपॉड में लगाने का जगह। मैं यूजुअली LCD स्क्रीन में देख के पिक्चर स्टिल फोटोग्राफी नहीं करता, मैं व्यू फाइंडर से ही देख के फ़ोटो खींचता हूँ। मैंने देखा है कि LCD में देख के आप जब भी फ़ोटो खींचते हैं तो आपका बैटरी ड्रेनेज ज़्यादा होता है, व्यू फाइंडर से देख के आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपका बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगा, आप ज़्यादा फ़ोटो खींच पाएंगे, और कैप्चर करने के समय जो ओरिजिनल आपको जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट आपको व्यू फाइंडर से देख के आप जब फोटो खींचेंगे तब उसको आपको अच्छा रिजल्ट ये देगा। जैसे फ्रेंड्स, मैं बता ही चुका हूँ मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैं हॉबी के लिए ये कैमरा यूज़ करता हूँ। ये रहा आपका इस कैमरे का स्पेसिफिकेशन और फिजिकल फॉर्म।
फ्रेंड्स आपने प्रोडक्ट रिव्यू देखा और मुझे जितना जानकारी था प्रोडक्ट के बारे में मैंने कोशिश की आप सभी को बताने के लिए। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है इस प्रोडक्ट के ऊपर काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न मुझे बताइएगा, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। जिनकिन्हीं दर्शकों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में फिर से कोई नया डिवाइस, टेक्नोलॉजिकल गैजेट या टेक्निकल डिवाइस लेके आप सभी के सामने फिर से हाजिर होऊंगा कोई नया वीडियो लेके। तब तक देखते रहिए कौशिक थिंग्स। धन्यवाद। नमस्कार।